हमारी नौकरी खतरे में है, युवा खतरे में है, देश खतरे में है। सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने में, किसानों को लाचार करने में, महिलाओं को महंगाई से सबकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। एसएससी के छात्रों प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा, सिर्फ लाठियां मिल रही हैं। भूल जाए मोदी जी कि 50 साल राज करेंगे, भूल जाए वो कि युवा देश के रहते हुए जिस तरीके से बेरोजगारी का इतना आलम बढ़ चुका है, 50 साल नहीं सत्ता छोड़ने पे ना मजबूर कर दिए ये युवा लोग, तो कहिएगा आप। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को इस कदर मजबूर कर दिया कि रोड पर आकर हमको लाठियां खानी पड़ रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि भारत एक युवा प्रधान देश होने के नाते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं को पकौड़ा तलने व नाली की गैस से चाय बनाने का जुमला फेंकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश का जो युवा LLB किया है, देश का युवा जो IIT किया है, देश का युवा जो बड़े बड़े संस्थाने के सपने देखता था, क्या उसका आपका कहने का मतलब कि वो रोजगार के नाम पर पकौड़े तले? मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, इतनी वैकेंसियाँ जो रेलवे में आती थी वो सब कहाँ है? SSC के थ्रू इतनी वैकेंसियाँ आती थी 2014 के पहले UPA गवर्नमेंट में, वो कहाँ है? प्राइवेटाइज हो रहा है, नहीं बाबुओं से कब तक काम कराते रहेंगे, सरकारी बाबुओं से कब तक? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी तक बाबू काम नहीं करते थे? सरकारी नौकरी से व्यक्ति के परिवार और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, व्यक्ति को ये ताकत में मिलती रहती है कि मैं 60 साल पर रिटायर होऊंगा तो मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये है प्राइवेशन में क्या भरोसा कि वो कब निकाल दें हमको नौकरी से? हमारी नौकरी खतरे में है, युवा खतरे में है, देश खतरे में है। 15 लाख का जो उनका जुमला था, हम युवा फंस चुके थे उस समय, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2014 से युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन ये मरगलूर प्रधानमंत्री अपने को आवास में बैठकर सिर्फ युवाओं को जुमला फेंकने का काम कर रहा है। ये मोर को कहीं दाना दे रहा है, तोता खिला रहा है, जनता को सिर्फ जुमला बना रहा है। ऐसे सरकार में इनका रहने का हक नहीं है। आज NSUI के बैनर तले हम युवा साथी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले समय में अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। आपने कहा रोजगार नहीं मिला, लेकिन रोजगार देने की बात तो बंगाल में कर रहे हैं ना, कह रहे हैं बंगाल में तो चुनाव आता है तो मोदी जी के लक्षणदार भाषण आते हैं, युवाओं को सिर्फ अपने तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, लेकिन बंगाल की जनता बहुत ही समझदार है, वहाँ के युवा समझदार हैं, वो समझ रहे हैं और उनको इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनकी गवर्नमेंट को वहाँ नष्ट कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनको खत्म करने का काम युवा करेगा। अभी मोदी जी ने कहा मैंने डिजिटल इंडिया बनाया, अब युवा जो है मोटिवेटर बन के कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं इंस्टाग्राम। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया बनाने के बाद आपने कितने डिजिटल का प्रयोग किया है? डिजिटल युवा के साथ साथ पेटीएम वालों को, इन सबको फायदे में रखा है, यहाँ के युवा क्या फायदे में है ये बताइए आप हमको। वही तो सरकार लगातार कह रही कि सरकारी संस्थान कब तक काम करेगी, सब प्राइवेटाइज होना चाहिए। सरकार की बात मत करिए भैया, सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने में, किसानों को लाचार करने में, महिलाओं को महंगाई से सबकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। सरकार जुमला फेंक रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भाजपा की सरकार जहां जहां है वहां आप बेरोजगारी दर देख लीजिए, शून्य है। इतनी बुरी तरीके से बेरोजगारी दर वहां बढ़ रही है कि जैसे लग रहा है युवा पूरी तरीके से चूर हो चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दिल्ली के इस जंतर मंतर मैदान के आसपास आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में युवा मौजूद हैं, सिर्फ आक्रोश है उनके अंदर और सिर्फ उम्मीद है तो एक ही नेता से जो युवाओं का मार्गदर्शन करता चला आया है, श्री राहुल गांधी जी से।
अभी जो भी प्रोटेस्ट करता है लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी मांग रखता है, उसको कहीं ना कहीं देशद्रोही बना दिया जाता है, कहीं ना परजीवी बना दिया जाता है। अब युवा आ गए सड़क पे, कहीं युवा को भी कुछ ना कुछ सरकार का ही नाम ना दे दे कोई। मैं बता रहा हूँ कि लगातार जो चाहे वो SSC के छात्रों प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा, सिर्फ लाठियां मिल रही हैं। मैं उन सरकार से कहना चाहता हूं, कब तक लाठी बरसाओगे, कब तक डंडे तोड़ोगे? युवा है, कमर टूट जाएगी लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, हम घिसते हुए आगे जाएंगे, लेकिन आने वाले 2022 के और 24 के चुनाव में हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारा जोश क्या है, हमारा जज्बा क्या है। सरकार तो कह रही ना हम 50 साल राज करेंगे, आप 2024 की बात कर रहे हैं, वो 50 साल की भूल जाए मोदी जी कि 50 साल राज करेंगे, भूल जाए वो कि युवा देश के रहते हुए जिस तरीके से बेरोजगारी का इतना आलम बढ़ चुका है, 50 साल नहीं सत्ता छोड़ने पे ना मजबूर कर दिए ये युवा लोग, तो कहिएगा आप। तो आत्मनिर्भर भारत पे क्या कहना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत सिर्फ और सिर्फ उनके सांसद और मंत्री आत्मनिर्भर हुए हैं, वो भी मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी तो बैठकर सिर्फ कहीं पक्षी खिला रहे हैं, तो उनके सांसद भी इस महंगाई के दौर में अपने कमरे में बैठकर सिर्फ जूजू खेल रहे हैं, इस तरीके से सांसद हैं यहाँ पे। अच्छा, 2 महीने से बताया जा रहा है कि महीने भर से ऊपर हो गया, यहाँ पे युवा जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको कहीं ना कहीं धारा 144 लगा के भी रोका गया, क्या कहना चाहेंगे आप देश के युवाओं से, किस तरफ जा रहा है देश? आपने देखा था कोरोना संकट के दौरान पूरे देश के युवा जो रोजगार करते थे वो छोड़ छोड़ कर जब अपने घर जा रहे थे, उस समय ये सरकार अपने कमरे में बैठी थी, कहीं डर रही थी कि कोरोना ना हो जाए, तब उस समय नेता राहुल गांधी ने किसान मजदूर नौजवान की बात सुनी और रोड पर आए, जगह जगह उनकी लड़ाई लड़ी, और लेकिन ये सरकार धारा 144 लगाकर जगह जगह प्रोटेस्ट रोकने का काम की है, कोरोना से कितने युवाओं की रोजगार छीन ली गई, लेकिन ये सरकार रोजगार की बात नहीं कर रही है। अभी मैं मेट्रो से आ रहा था, योगी आदित्य, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, योगी आदित्यनाथ का 4 लाख युवाओं को रोजगार का बैनर देखा, उनका जो ये बैनर पोस्टर का काम है, जितना पैसा वो बैनर पोस्टर में खर्चा कर रहे हैं शायद उतनी वैकेंसियां लाने में खर्चा करते, तो आज उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार के नाम पर भीख न मांगते होते। आपने योगी जी की बात की, उनका वो बता रहे हैं कि हमारे जो पेपर में टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रचार हो रहा है। अरे नाम तो सब, जब कहते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, बस अल्लाह मेहरबान है तो वो लोग पहलवान हैं, गधे हैं सबके सब। योगी जी क्या पढ़े लिखे हैं, मोदी जी क्या पढ़े लिखे हैं, स्मृति ईरानी क्या पढ़ी लिखी हैं, हम सब युवा हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, रोजगार हमको जरूरत है। योगी जी तो कहते हैं ना कि हमें ही देश चलाने का हक है, वो तो लगातार ये कह रहे कि एक योगी देश चला सकता है, लोगों की भलाई कर सकता है। संत महात्मा सिर्फ मंदिरों में अच्छे लगते हैं, देश के सांसद सत्ता में संत महात्मा अच्छे नहीं लगते हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए, प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए एक पढ़ा लिखा, एक नौजवान जो युवाओं को समझे, किसानों का समझे, महिलाओं का सम्मान करे, ऐसे लीडर की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी जिसमें युवा, किसान, मजदूर, महिला सबका आवाज को बुलंद करने का काम किया जाएगा। आखिर में आप हमारे ऑडियंस और साथ ही साथ युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो इस देश के? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि इनके जुमले में मत फंसिएगा, आपको इन्होंने 15 लाख का जुमला फेंका, 2 करोड़ रोजगार का फेंका, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को इस कदर मजबूर कर दिया कि रोड पर आकर हमको लाठियां खानी पड़ रही है, जब हम अपनी डिग्री लेकर ऑफिस जाया करते हैं नौकरी मांगने के लिए, लेकिन आज हमको अपनी डिग्री लेकर रोड पर लाठी खाने के लिए मजबूर कर रही है यह सरकार। हम डरने वाले नहीं है, युवा साथियों आपके हौसले को बुलंद करने का काम NSUI के और तमाम फ्रंटल के लोग करेंगे, आप अपने जज्बे को संभाल कर रखिए, आने वाले सब दौर में इनकी सरकार को गिराकर युवाओं की सरकार बनाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर युवा जो है वो आक्रोशित है, वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो जुमले दिए थे, कहा जा रहा है सरकार ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, साथ ही साथ अब बंगाल में ये कह रही है कि हम वहाँ पे नौकरी देंगे, इसी को लेके युवा जो है वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जुमला दे रही थी, उसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। साथ ही साथ अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक इनकी बात पहुँच सके, युवाओं की बात पहुँच सके। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।